हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और फाइनली यहाँ पे सैमसंग ने अपने काफी सारे टीवी जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिए हैं और बहुत सारे 2018 वाले नए मॉडल्स को भी उन्होंने जो वो इंट्रोड्यूस किए, जहाँ पे आप लोग को तीन अलग अलग सीरीज मिलती है। एक क्यूलेट मिलती है जो सबसे प्रीमियम कैटेगरी की टीवी से जो आप लोग को 2 लाख के ऊपर से जो शुरू होता है। उसके बाद आपको मिड रेंज अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन वाले जो वो टीवी मिलते हैं और उसके बाद आपको फाइनली मेड फॉर इंडिया कॉन्सर्ट टीवी जो वो देखने को मिलते हैं, जो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल आपको जो वो साउंड क्वालिटी मिलती है इन वाले टीवी के अंदर। तो यहाँ पे मैं आप लोग को इन सारे टीवी के में सारे इंफॉर्मेशन जो वो देने वाला, उनकी प्राइस के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे गिफ्ट्स भी आपको कुछ टीवीज पे जो वो देखने को मिलने वाले। तो ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी जानकारी जो वो देने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैमसंग के क्यूलेट टीवी से, और ये इन सारे टीवीज में सबसे प्रीमियम कैटेगरी का आपको जो वो टीवी मिलता है, जिनकी प्राइस यहाँ पे शुरुआत होती है 2,45,000 रुपये से। 55 इंच से लेके 75 इंच के आपको मॉडल मिलते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इन जो प्रीमियम कैटेगरी का जो ये टीवी है क्यूलेट पे, आपको सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस जो वो फ्री मिलता है। जी हाँ, जो भी क्यूलेट टीवी वाले मॉडल आप परचेस करते हैं, इन सारे टीवीज पे, पर्टिकुलर टीवी पे आपको सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस जो वो फ्री मिलता है। अब बात करते हैं सैमसंग के जो ये क्यूलेट टीवी, ये कोई नए नहीं बल्कि 2017 में भी सैमसंग ने लाया था, लेकिन 2018 के नए मॉडल्स लेके आ गया है कुछ नए फीचर्स के साथ में। जहां पे सबसे पहला जो फीचर है वो है एम्बिएंट मोड। ये इंट्रोड्यूस किया है सैमसंग ने इंडिया के अंदर। यूजुअली यहां पे ये क्या करता है कि जो आपका टीवी है, ये जिस वॉल पे आप उसको लगाते हैं, ये एक्चुअली उस वॉल के हिसाब से आपके टीवी में बैकग्राउंड को चेंज करता है। व्हाइट कलर वाले वॉल पे लगाओ, चाहे वो टेक्सचर वाले वॉल पे लगाओ, तो वो सेम डिजाइन वो आपके टीवी के अंदर विजुलाइज करता है, जिससे थोड़ा सा एक प्रीमियम फील आता है आपके टीवी के अंदर। इतना ही नहीं बल्कि आप उसको अपने हिसाब से कस्टमर वगैरह भी जो वो कर सकते हैं। और एक्चुअली आपका टीवी क्या करेगा कि डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन, आपके बाहर सनी हो या फिर बारिश हो रही है या फिर स्नो गिर रहा है, ये सारी चीजें अपने टीवी के ऊपर आपको एक विजुलाइज करके बता देगा कि हाँ सनी वेदर है या फिर रेनी वेदर है या फिर स्नो वेदर है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फील करेगा जब आप अपने टीवी को इस्तेमाल करेंगे अलग अलग वेदर कंडीशन के अंदर। और साथ में जो एम्बिएंट मोड आपको मिल रहा है ना, ये आपको एक डेडिकेटेड बटन मिलता है आपके रिमोट के अंदर, आपको सिर्फ प्रेस करना है और वो सीधा एम्बिएंट मोड जो एक्टिवेट कर देगा। तो ये काफी कूल फीचर है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक इनविजिबल केबल कनेक्शन, और ये मुझे इन सारे फीचर्स में सबसे कूल लगा है। यूजुअली आपके जो टीवीज होते हैं उनमें स्टैक ऑफ वायर्स होते हैं, बहुत ही गुच्छे जैसे कि हम हमारे भाषा में बोलते हैं। अब इसको खत्म करने के लिए सैमसंग ने सिर्फ एक सिंगल वायर लाया है जो कि ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, जिसको सैमसंग ने बोला है इनविजिबल कनेक्शन। एक पतला सा वायर है, वो उसी वायर के जरिए वो आपके टीवी में कनेक्ट होता है और आपके टीवी को पावर करता है। सारे वायर्स का लफड़ा यहाँ पे जो सैमसंग ने खत्म कर दिया। तो एक बहुत ही खतरनाक चीज है और बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है जो सैमसंग ने इनविजिबल कनेक्शन आपको यहाँ पे जो दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एस वॉइस। ये ऑब्वियसली एक इंटेलिजेंट डिस्प्ले वाला टीवी है, तो इसके अंदर आप एस वॉइस जो आपको रिमोट में एक बटन मिलेगा, उसके जरिए आप इसमें जैसे कि नॉर्मली गूगल असिस्टेंट में आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरीके का स्मार्ट तरीके से आप टीवी से बात कर सकते हैं, जैसे कि क्या वेदर है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और वो टीवी आपको स्मार्ट तरीके से जो वो जवाब वगैरह भी देगा। और यहाँ पे जो फाइनल फीचर है, एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको एक क्वालिटी की बात कर लूँ इस टीवी की, तो आपको यहाँ पे 100% कलर वॉल्यूम पिक्चर की क्वालिटी में मिलती है, जहाँ पे आपको HDR10+ फंक्शनलिटी, यानी कि इसका मतलब जो पिक्चर की जो क्वालिटी वो बहुत ही शार्प होगी, बहुत ही इसका जो ब्राइटनेस होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। जो प्राइस आप पे कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी में टीवी के अंदर बिल्कुल भी आपको इश्यू नहीं होगा। साथ में आपको यहाँ पे एक स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन मिलता है इस टीवी के अंदर। अब ये क्या करता है कि एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप जितने भी IoT इनेबल्ड डिवाइसेस है, उस सारे IoT इनेबल्ड डिवाइसेस को इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर जो वो कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे फिर आप वो सिंकिंग के लिए करो, शेयरिंग करो, नोटिफिकेशन मिरर करो, साउंड वगैरह के हर वो काम आप यहाँ पे जो भी IoT इनेबल्ड डिवाइसेस करते हैं वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा हब बना दिया एक छोटे से एप्लीकेशन के अंदर जो पर्टिकुलर IoT डिवाइसेस का आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है सैमसंग की क्यूलेट टीवीज जो बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी के, जो मैंने आपको बता दिया 2,45,000 से स्टार्ट होते हैं, अपने अपने साइज के हिसाब से आपको प्राइस जो वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद यहां पे आता है सैमसंग के मिड रेंज UHD टीवीज, और ये सैमसंग के ऑब्वियसली अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन वाले टीवी है, जहां पे इसके अंदर आपको जो क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही कमाल की मिलती है। आपको हाई डायनेमिक रेंज, आपको यहां पे स्ट्राइकिंग ब्राइटनेस, डीप कॉन्ट्रास्ट और बहुत ही क्रिस्टल कलर टेक्नोलॉजी वाले जो पिक्चर की इस पे भी जो क्वालिटी होगी ना, व्यूइंग एंगल्स होगा, वो बहुत ही कमाल का होगा, एकदम से हायर रेजोल्यूशन में आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। अब ये जो टीवी है यहां पे 43 इंच से लेके 75 इंच तक जो अवेलेबल है, जिनकी प्राइसिंग 64,900 रुपीस से स्टार्ट होती है। ऑब्वियसली ये सैमसंग के ब्रांड है तो आपको प्राइस में तो कॉम्प्रोमाइज करना ही है। यहां पे सैमसंग ने प्रीवियसली 10 मॉडल लाया था, लेकिन अब यहां पे टोटल 16 मॉडल्स हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे इस सीरीज में सैमसंग ने 6 नए और मॉडल को लेके आ गया है 2018 वाले। अब यहां पे इसके अंदर आपको 1 रिमोट कंट्रोलर मिलता है, जो कि एक स्मार्ट हब वाला फीचर आपको जैसे कि मैंने क्यूलेट में बताया था। साथ में
आपको यहाँ पे एक और फीचर मिलता है टू वे ब्लूटूथ कनेक्शन, यानी कि आप अपने टीवी के साउंड को अपने मोबाइल के अंदर जो वो और भी कनेक्ट करके साउंड को एनहांस कर सकते हैं, और मोबाइल के साउंड को आप अपने टीवी में लगा के इसके वो साउंड को और भी एनहांस कर सकते हैं। तो ये भी एक कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको इस टीवी में मिल जाती है। तो ये है सैमसंग के मिड रेंज अल्ट्रा एचडी वाले टीवी। एक और चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सैमसंग के जो यूएचडी वाले टीवी से इसके ऊपर यहाँ पे आप लोग को फ्री साउंड बार या फिर फ्री स्पीकर भी मिलेंगे। ये सारे जो ऑफर्स अवेलेबल है फिलहाल के लिए वो जुलाई 15 तक ही है, जो कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे सैमसंग ने लाया है। तो अल्ट्रा एचडी वाले टीवी के ऊपर आपको यहाँ पे साउंड बार या फिर फ्री स्पीकर भी जो साथ में मिलेगा। और फाइनली यहाँ पे हम इंडिया वालों के लिए आता है वो है सैमसंग के कॉन्सर्ट सीरीज वाले टीवी, जो कि ऑब्वियसली मेक फॉर इंडिया है। और ये स्पेशली ये जो टीवी है ये उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है साउंड क्वालिटी पे, जहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को दो अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं, एक स्मार्ट कॉन्सर्ट और एक जॉय कॉन्सर्ट। मैं आपको यहाँ पे सारे फीचर्स के बारे में बता ही देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे 32 इंच से शुरू होता है 27,500 रुपये से, और ये जाएगा 49 इंच तक, और इनकी रेजोल्यूशन होगी वो है फुल एचडी। सारे टीवीज़ की जो रेजोल्यूशन होगी वो आपको फुल एचडी में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इन टीवीज़ की खासियत क्या है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे यूजुअली जो नॉर्मल जो टीवीज़ होते हैं आपको यहाँ पे दो स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आपको चार स्पीकर्स मिलते हैं, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ दो, नीचे की तरफ दो, और हर चैनल में जो है वो आपको 10 वॉट साउंड मिलता है। इसका मतलब 40 वॉट सराउंड साउंड एक्सपीरियंस आपको इन टीवीज़ में मिलता है। तो एकदम से स्टीडियो साउंड का एक्सपीरियंस आएगा, और साउंड क्वालिटी उन्होंने जब टेस्ट करवाया था इवेंट में तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको इनके साउंड में जो वो देखने को मिल रही थी। और इसके अंदर भी आपको स्मार्ट हब और स्मार्ट ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है, जैसे कि टीवी का साउंड आप अपने मोबाइल में या फिर मोबाइल का साउंड अपने टीवी में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके अनाउंस कर सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे लाइव टीवी, जियो सिनेमा, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सारे के सारे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिलते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है, वो सारे के सारे चीज़ें स्मार्ट तरीके से आप इन टीवीज में भी जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपने देखा जैसे कि मैंने आप लोगों को सारे सैमसंग के टीवीज के बारे में बता दिया। डिपेंड करता है कि आप कौन सा टीवी चूज करते हैं, और अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसके हिसाब से भी बहुत सारे लोग ऑप्ट करेंगे। अच्छी खासी क्वालिटी आपको मिलती है, लेकिन हाँ, सैमसंग की टीवी से ब्रांड वैल्यू है तो ऑब्वियसली आपको प्राइस तो देना ही पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी भी आपको वैसे ही मिलेगी। आप सैमसंग की ब्रांड या सोनी वगैरह की ब्रांड्स को दूसरे चाइनीज ब्रांड से जो वो कंपेयर नहीं कर सकते, ये आपको क्वालिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए फ्यूचर में रिव्यूज लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।